नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। केटीआर को गुस्सा क्यों आता है, यानी कि केटी रामा राव, जो कि तेलंगाना में आईटी और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री हैं। अभी पिछले दिनों उनका एक वक्तव्य आया स्टेट असेंबली में, जिसको लेकर बहुत ही हलचल हुई है और हंगामा हुआ है, और वो वक्तव्य सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे पहले मैं उसकी एक झलक दिखा देता हूँ। वो ज़्यादातर हिंदी में बोल रहे हैं, एक दो सेंटेंस तेलुगु के हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे। अगर कोई खास शिकायत है, खास कंप्लेंट है, कोई एक काम की तरफ से आप मुझे बताइए, जरूर मैं उनको काम में लगाऊंगा। आपने जो बात कहा कौसर साहब, बुलकापुर नाले की जो आपने बात कहा, जो आपने हमारे शातम तालाब में जो तकलीफ हुई थी, नदीम कॉलोनी में जो तकलीफ हुई थी, जहां हम लोग गए थे साथ में, और आप और हम और हैदराबाद के एमपी साहब भी थे, इस बात को लेकर मेरे को भी बहुत चिंता है। क्योंकि एक केंद्र सरकार जो है कंटोनमेंट में, खास जो हमारे मिलिट्री अथॉरिटीज है, बेवजह तकलीफ पहुंचा रहे हैं हैदराबाद की आवाम को। हमने बहुत बार शिकायत किया उनको, कंटोनमेंट में एक तरफ रोड बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे बुलकापुर नाला पे एक चेक डैम बांध के वो शातम तालाब, आज उसकी जो हालत है, एक तरफ से वो कवाई पे वो कंटोनमेंट लो। हमने बहुत बार कोशिश किया, बहुत बार उनको बोलने की कोशिश भी हमने की। अगर वो लोग सही तरह से समझते नहीं है, ठीक ठीक नहीं समझते, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ा तो वहां करंट काट देंगे, जरूरत पड़े तो वहां पे पानी की सप्लाई भी काट देंगे, देखेंगे क्या करेंगे। केटी रामा राव इसमें जिसे रेफर कर रहे हैं वो है सिकंदराबाद कैंटोनमेंट में जो आर्मी बेस्ड है और हैदराबाद में जो आर्मी यूनिट्स हैं। केटीआर को ऐसा क्यों कहना पड़ा? अब इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, जो कि मैं बहुत छोटे करके आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। क्योंकि बात हो रही है सिकंदराबाद कैंटोनमेंट की, तो एक बार कैंटोनमेंट बोर्ड का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। ये एक टिपिकल कैंटोनमेंट बोर्ड का स्ट्रक्चर डायग्राम है। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है जो कि एक्स ऑफिशियो स्टेशन कमांडर, यानी कि आर्मी का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है स्टेशन में, वो कैंटोनमेंट बोर्ड का प्रेसिडेंट बनता है। उसके बाद एक सीईओ होते हैं जो अपॉइंटेड पोजीशन है, और ये ऑफिसर होते हैं डिफेंस एस्टेट सर्विसेज के। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो तीन आर्मी ऑफिसर्स को और नॉमिनेट करते हैं जो कि बोर्ड मेंबर बनते हैं। इसके अलावा डीएम, हेल्थ ऑफिसर जो बोर्ड के हैं, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बोर्ड के हैं, ये भी इसके मेंबर होते हैं। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द साइज़ के कितना बड़ा कैंटोनमेंट है, वहाँ पे ये नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स डिफाइंड है। सबसे ज़्यादा 8 हो सकते हैं, जो कि सिकंदराबाद कैंटोनमेंट में 8 वार्ड्स हैं और 8 बोर्ड मेंबर्स हैं। इनमें से ही एक वाइस प्रेसिडेंट ये लोग इलेक्ट करते हैं, जो बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स कोई खास नहीं होती हैं। ज़्यादातर पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं और थोड़ी बहुत सीईओ के हाथ में, और कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो वो फॉरवर्ड होता है सब एरिया कमांडर को। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है? पानी स्टेट गवर्नमेंट देता है बोर्ड को, जो बोर्ड आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है रेजिडेंट्स को और आर्मी के यूनिट्स और जो रेजिडेंसेस हैं। बिजली डायरेक्टली कंज्यूमर्स को दी जाती है, जो कि स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जाती है, और लॉ एंड ऑर्डर वो स्टेट पुलिस के अंडर आता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर प्रिडोमिनेंटली आर्मी ओरिएंटेड है। यहाँ पे सिविल मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं होती है। सारी पावर कंसंट्रेटेड है प्रेसिडेंट में या सीईओ में, जो कि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सब एरिया कमांडर पर बात जाती है। ये स्ट्रक्चर तब ठीक था जब आर्मी के लोग ज़्यादा होते थे और सिविलियन पॉपुलेशन कम होती थी। धीरे धीरे बढ़ते हुए सिविल पॉपुलेशन आउट नंबर कर रही है आजकल आर्मी को, तकरीबन हर शहर में। सिकंदराबाद में फॉर इंस्टेंस 40-50-60 हज़ार आर्मी वाले होंगे, और सिविल पॉपुलेशन बढ़कर 7-8-10 लाख तक पहुंच गई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो कि होना चाहिए एक म्यूनिसपैलिटी का, ये चला रहा है आर्मी के पर्सनल।
तो उनकी ना तो इसमें ट्रेनिंग होती है ना इंटरेस्ट होता है, वो 2-3 साल के लिए यहाँ पे पोस्ट होते हैं फिर चले जाते हैं, और ना ही आर्मी पर्सनल इसमें वो केपेबल हैं कि वो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चला पाएंगे। तो ये एक बेसिक फ्रिक्शन बहुत सालों से कई कैंटोनमेंट्स में, ये सिकंदराबाद में नहीं है, कई कैंटोनमेंट्स में ये प्रॉब्लम आई है कि आर्मी की तरफ से वो डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं, उनको लगता है ये हमारा एरिया है, यहाँ पे सिविलियंस नहीं आने चाहिए, और ना वो वहाँ पे सड़कें वाइडन करने देते हैं, ना वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क करने देते हैं, यहाँ तक के सिकंदराबाद में मेट्रो भी नहीं आने दे रहे। मैं आज आपकी मुलाकात करा रहा हूँ पंकज सेठी से। पंकज सेठी मेरे मित्र भी हैं, हम दोनों ने एक ही कंपनी में काम भी किया बाद में, आज वो एक अपना कंपनी चलाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के मैन्युफैक्चरिंग की। उन्होंने इस इशू पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, और पिछले दिनों कई लोकल पेपर्स में उनके आर्टिकल छपे हैं और नेशनल चैनल्स पर भी ये न्यूज़ कैरी की गई थी। धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिछले एक हफ्ते से काफी यहाँ पे सरगर्मियां चल रही हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में ये रोड क्लोजर के बारे में, जो कैंटोनमेंट एरिया में और जो वहाँ पे नागरिक हैं वो काफी परेशान हैं। तो इस बारे में आपने काफी रिसर्च की हुई है, तो थोड़ा इस बारे में आप विस्तृत जानकारी हम लोगों को दें। धन्यवाद अजय जी। सिकंदराबाद में 2014 में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी जब आर्मी अथॉरिटीज ने काफी रोड्स बंद कर दी यहाँ पर। जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं जो साथ में लगा हुआ है, जो रोड्स बंद की गई हैं, ये बीच में जो सफेद एरिया आपको दिख रहा है ये है कैंटोनमेंट। उस सफेद एरिया में एक कोने में आपको एक लाइन दिख रही है ऊपर से नीचे आती हुई, ये हमारी मेजर एक हाईवे है, राजीव राहदारी कहते हैं, स्टेट हाईवे 1 है, और उसके दाएं हाथ पर यानी कि पूर्व की तरफ आप देखेंगे काफी लाल लाइनें बनी हुई। तो ये जो लाल लाइनें हैं ये बंद सड़कें हैं। ये जो लाल सड़कें, जो लाल लाइनें हैं, ये सड़कें इस्तेमाल करते हैं जो लोग पश्चिम में रहते हैं कैंटोनमेंट के पूर्व की तरफ जाने के लिए, और जो पूर्व में रहते हैं पश्चिम की तरफ आने के लिए। तो पूर्व में जो रहते हैं पश्चिम की तरफ, उनका आना लाजमी है क्योंकि पूर्व वाला जो है वो एक सबर्ब टाइप का एरिया है, और हैदराबाद में जो मेन एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी है, कमर्शियल सेंटर्स हैं और जो आईटी इंडस्ट्री वगैरह जहां पर है, तो वो पश्चिम की तरफ। तो ये लाजमी है कि जो पूर्व में वो लोग रहते हैं उनको ये सड़कें क्रॉस करनी ही पड़ती हैं। तो चाहे बच्चे हो जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हो, या सीनियर सिटीजन हो, या कोई भी हो। और दूसरी ये बात है कि पूर्व की तरफ कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं जो पूरे शहर भर से लोग आते हैं, मौला अली का है, कुशाईगुड़ा का है, चरलापल्ली का इंडस्ट्रियल एस्टेट है, तो दोनों तरफ ट्रैफिक काफी होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाल लाइनें एक सिविलियन एरिया को दूसरे सिविलियन एरिया से जोड़ती हैं, हालांकि कैंटोनमेंट के बीच से गुजरती जरूर है। तो जब ये सड़कें बंद हुई तो काफी दिक्कत होनी शुरू हो गई लोगों को। तो इस सिलसिले में कुछ कोर्ट केसेस भी फाइल किए गए तब हैदराबाद हाईकोर्ट, और ये कोर्ट केसेस फाइल हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, केंद्र सरकार के अगेंस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। तो पहले तो जो जज हियर कर रहे थे उन्होंने इंटरिम जजमेंट दिया जिसमें आर्मी को मना किया गया कि सड़कें मत बंद करें, लेकिन फिर बाद में आर्मी ने एक सील बंद लिफाफा दिया कोर्ट में, और वो किसी को दिखाया नहीं गया और किसी को, और कहा यह गया कि कोई सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं इनको, सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, नजरिए से कुछ उनको दिक्कतें हैं, इसलिए उनको अलाउ कर दिया गया रोड बंद कर। अब जब ये रोड्स बंद हो गई तो उन्होंने और रोड्स बंद करनी शुरू करी। उस वक्त जो रोड्स बंद थी उनके खिलाफ पिटिशंस थे, अब उनको जब लाइसेंस मिल गया बंद करने का तो और रोड्स बंद करनी शुरू करी। तो इसके लिए, इसके अगेंस्ट एक मतलब काफी चिट्ठियां विठियां लिखी गई। उस वक्त रक्षा मंत्री थे श्री मनोहर पारिकर, उन्होंने देख के एक लेटर इशू किया जो सिर्फ सिकंदराबाद के लिए नहीं सारे कैंटोनमेंट्स को अप्लाई करता था कि जहां भी सड़कें बंद की गई हैं वो खोल दी जाएं, अगर वो जो कैंटोनमेंट्स एक्ट है, जो छावनी अधिनियम है, उसमें जो प्रोविजंस है अगर उसके विरुद्ध की गई हैं
अब उसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं छावनी अधिनियम में, उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड के पास ये अधिकार है कि वो कोई रोड बंद कर सके, और उसके लिए भी एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो रोड बंद करने के पहले पब्लिक को नोटिस देना होता है, पब्लिक के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना पड़ता है, फिर ऊपर से अप्रूवल आना चाहिए, तो वो सब कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे सिर्फ आर्मी अथॉरिटीज ने बंद कर दिया। तो जब ये और सड़कें बंद होनी शुरू हुई तो फिर कुछ लोगों ने रिसर्च करनी शुरू करी, भाई इस मामले में ये हुआ क्या, कोर्ट ने क्यों अलाउ किया इन्हें। तो तब ये पता लगा लोगों को कि कोर्ट के सामने ये जो एफिडेविट फाइल हुए थे उसमें ये कहा गया था कि ये A1 सड़कें हैं, आर्मी का जो कैंटोनमेंट के जो जमीनें होती हैं वो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित होती हैं, तो उसमें A, B, C क्लास होता है, तो A1 जो है वो मिलिट्री ऑक्यूपाइड होता है, और उसमें ये कहा गया कि मिलिट्री ऑक्यूपाइड जो जमीनें हैं वो उस पर पूरा अधिकार मिलिट्री का है, तो उनको अगर चाहें तो बंद कर सकते हैं। ये एफिडेविट में कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से, डिफेंस एस्टेट्स ऑफिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से ये दलील दी गई। तो जब लोगों ने ये इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी, तो ये पता लगा कि कोर्ट में जो बात कही गई थी वो सही नहीं है, क्योंकि ये जो सड़कें हैं, कुछ लोगों ने कैंटोनमेंट बोर्ड से और डिफेंस एस्टेट ऑफिस में RTI दरखास्त डाल के, एप्लीकेशन डाल के लैंड रिकॉर्ड की कॉपी मांगी सड़कों के जो के संदर्भ में, तो ये पता लगा कि ये सड़कें जरूर A1 है, मिलिट्री एस्टेट सर्वे इंजीनियरिंग सर्विस MES इनको मेंटेन करता है, और इनका एक सर्वे नंबर दिया गया है 778। तो जब लोगों ने ये इन्वेस्टिगेट किया थोड़ा, तो ये पता लगा कि जो रूल्स बने हैं कैंटोनमेंट एक्ट के अंतर्गत, कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी सड़क को सेपरेट सर्वे नंबर, अलग सर्वे नंबर दिया जाए और उसको A1 श्रेणी में रखा जाए, तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक को उस पर आने जाने का अधिकार। तो ये बात जब समझ में आई लोगों को, तो लोगों ने, उस वक्त तक श्रीमती निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री बन चुकी थी, तो उनको चिट्ठी लिखी गई, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया लंबा चौड़ा, सारे लीगल पॉइंट्स बताए गए, तो उन्होंने सिर्फ सिकंदराबाद के संदर्भ में नहीं बल्कि सारी छावनियों के संदर्भ में उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन कराया, सारे MPs को बुलवाया, सारे कैंटोनमेंट बोर्ड्स के उपाध्यक्षों को बुलाया, वाइस प्रेसिडेंट्स को, और ये समझा कि क्या दिक्कतें हो रही। और फिर ये सब छानबीन के बाद पता लगा कि ये लॉ के विरुद्ध बंद की गई है, तो उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक आदेश जारी करवाया लोकल आर्मी अथॉरिटीज को कि ये सारी सड़कें खोलो। ये मई 2018 की बात, लेकिन उसके बाद से सड़कें खुली नहीं है। यहाँ कुछ सड़कें जरूर खुली थी, उसके बाद से कुछ खुली वो फिर बंद हो गई, कुछ जो पहले बंद नहीं थी वो भी बंद कर दी गई, और जब भी उनसे पूछा जाए तो वो बोलते हैं कि ये ऑर्डर्स हमारे ऊपर नहीं अप्लाई करते, ये ऑर्डर्स A1 सड़कों पे नहीं अप्लाई करते, या कहते हैं कि कुछ रोड्स बंद ही नहीं है, कहते हैं सिर्फ एक या दो रोड्स बंद हैं, तो अलग अलग जवाब आते रहते। तो ये सब जब हुआ तो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो अधिकारी थे, CEO जो थे, मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी जो थे, उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई दिल्ली से, कि डिफेंस एस्टेट्स के हेड ऑफिस से मांगी गई, सभी कैंटोनमेंट बोर्ड से मांगी गई कि जो हमने आदेश जारी किए उनका कोई असर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ के जो अधिकारी थे उनकी जो रिपोर्ट गई है वहाँ दिल्ली, उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि ये सड़कें खुली और ये जो कई ज्यादा जो सड़कें हैं वो नहीं खुली। इसके बावजूद ये दलील दी जाती है कि कोई सड़कें नहीं बंद है या एक या दो सड़कें बंद है। दूसरा एक जो डिसीजन लिया गया था कैंटोनमेंट बोर्ड की मीटिंग में, ये सड़कें खोलने के आदेश जारी होने के बाद में, क्योंकि काफी हंगामा हुआ कैंटोनमेंट बोर्ड मीटिंग में, जो निर्वाचित सदस्य हैं उन्होंने ये मामला उठाया, तो ये एक फाइनली एक डिसीजन लिया गया कि एक जॉइंट इंस्पेक्शन होगा, उससे ये पता करेंगे कि कौन कौन सी सड़कें बंद। ये बात है मई 2018 के एंड की, और आज तक ये इंस्पेक्शन हुआ नहीं। तो ये स्थिति है आज की डेट में कि कोई कहता है कि दो सड़कें बंद है, कोई कहता है सड़कें ही नहीं बंद है। पब्लिक को जो दिक्कतें थी वो अभी भी चली आ रही। तो ये तो है मामला सड़कों का, और इस मामले में प्रोटेस्ट लगातार जारी है, पब्लिक कैंडल लाइट मार्च करती है, पब्लिक चिट्ठियां लिखती है, पब्लिक ट्विटर पे प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को टैग करती है, और कुछ समय से पब्लिक ने राज्य के मुख्यमंत्री
और राज्य के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जो मंत्री हैं श्री केटी रामाराव, इन दोनों को भी अपने प्रोटेस्ट से अवगत कराया है। और इन्होंने कई बार पिछले साल दो साल में रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को लिखा भी है। यहाँ के जो एमपीज हैं उन्होंने पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी ये बात उठाई है, राज्यसभा में भी उठाई है, लेकिन कुछ इसका अभी तक असर निकला। तो ये तो रहा मामला सड़कों का और सड़कों से होने वाली दिक्कतों, सड़कों के बंद होने से होने वाली दिक्कतों। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए जब अनुसंधान चल रहा था तो इस मामले से एक और जुड़ी हुई एक रोचक इंफॉर्मेशन मिली है। मुख्यमंत्री ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि ये सारी जमीनें हमारी हैं कैंटोनमेंट, कि यहाँ की जो जमीनें हैं ये केंद्र सरकार की नहीं है बल्कि राज्य सरकार की। क्योंकि ये बात अजीब इसलिए लगती है क्योंकि हिंदुस्तान में 62 कैंटोनमेंट हैं और उनमें से 60 कैंटोनमेंट वो ब्रिटिश इंडिया में थे। मतलब ये कि जब वो स्थापित किए गए थे वो कैंटोनमेंट, तो अंग्रेजों का राज था उस जगह पर जहां पर वो छावनी एस्टैब्लिश की गई थी। और अंग्रेजों का राज ही नहीं था बट अंग्रेजों की मिल्कियत थी जमीन की। अब वो कैसी से आई मिल्कियत उनके पास, उन्होंने आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया, हरा के वहां के राजा को या वहां के लोगों को, या फिर किसी और तरीके से अपना हथकंडे अपना के किया उन्होंने, जो भी था 1947 में अंग्रेजों के मिल्कियत थी। और 1947 के बाद अंग्रेजों की मिल्कियत जो थी वो लाजमी तौर पे केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो गई, ट्रांसफर हो गई। लेकिन सिकंदराबाद कैंटोनमेंट कभी भी ब्रिटिश इंडिया में नहीं था। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट हैदराबाद राज्य में था। हैदराबाद एक तथाकथित प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट मतलब इसका एक अलग रूलर था, निजाम, हैदराबाद के निजाम थे रूलर। और अंग्रेज जो यहाँ आए थे वो आए थे एक करार पे हस्ताक्षर हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और तब के निजाम जो द्वितीय निजाम थे अली खान, करीब 18वीं सदी के अंत में एक ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस करके साइन की गई, जिसमें ये दोनों ने माना कि अगर हमारे ऊपर कोई दुश्मन हमला करता है तो हम दूसरी पार्टी जो भी है वो सपोर्ट करेगी, उनका साथ देगी, अपने आर्मी भेजेगी, अपने सेना भेजेगी। ट्रीटी के अंतर्गत अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ 8,000 सैनिक भेजे और ये 8,000 सैनिक जो थे उनके रहने के लिए एक जगह दी निजाम, तो वहां पे उन्होंने अपनी एक छावनी बसा ली। और साथ ही साथ ये ट्रीटी में एक और भी प्रावधान था कि कस्टम्स ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी जो भी सामान आएगा यहाँ पर अंग्रेज सैनिकों के प्रयोग के लिए। तो ये एक ड्यूटी फ्री जोन बन गया, कस्टम ड्यूटी फ्री जोन बन गया। और इस वजह से यहाँ काफी जो व्यापारी थे पूरे हिंदुस्तान से आ गए, चाहे पारसी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, कई तमिल लोग हों, तो सिविलियन पॉपुलेशन भी काफी बढ़ गई यहाँ। तो ये जो नया जो एक छोटा मोटा एक शहर सा जो बस गया था उसका नाम दिया गया सिकंदराबाद, क्योंकि तब निजाम सिकंदर जाह आ चुके थे, तीसरे निजाम। तो निजाम ने उनको रहने तो दिया लेकिन उनको जमीन की मिल्कियत नहीं दी। और ये बात स्पष्ट हो जाती है अगर हम कुछ हिस्टोरिकल दस्तावेज देखें। 1906 में तब तक यहाँ पे दो छावनियां थी। छावनी 10 किलोमीटर दूर बोलाराम की नाम की जगह पे बसाई गई थी, जिसपे निजाम की तौर से जो ट्रूप्स देने थे अंग्रेजों को वहां पे वो रहते थे। तो ये दोनों छावनियां 1906 तक सारी जो लड़ाइयां लड़नी थी अंग्रेजों ने लड़ चुके थे, चाहे सिखों के अगेंस्ट, चाहे मराठों के अगेंस्ट, चाहे जिसके भी अगेंस्ट। और जब साथ ही साथ बोलाराम और सिकंदराबाद के जो दो छावनियां थी उनको मिला के एक सिकंदराबाद छावनी बना दी गई, साथ में जो बीच में इनके कुछ 12-13 गांव थे उनको भी मर्ज कर दिया गया, इनके साथ मिला दिया। और ये जो मर्जर हुआ इसके लिए निजाम ने एक फरमान जारी किया और उसमें ये सीधे तौर पे कहा गया है कि जो जमीन की मिल्कियत है वो ओरिजिनल ओनर के पास ही रहेगी। तो अंग्रेजों की को जमीन नहीं दी गई। अच्छा, ये बात अंग्रेजों को भी ये सवाल उनके मन में उठता होगा कई बार। तो 1926 में उन्होंने भी अपना ये एक इन्वेस्टिगेशन करी, तो जब के रेजिडेंट थे यहाँ पे सर विलियम बार्टन,
उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें भी ये माना गया कि यहाँ पे कोई जमीनें नहीं। 1933 में पहली बार यहाँ कैंटोनमेंट छावनी का एक पूरा स्टैचुटरी वैधानिक लैंड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसको जनरल लैंड रजिस्टर ऑफ 1933 कहा जाता है। उसमें हर चप्पे चप्पे का, हर स्क्वायर इंच का कैंटोनमेंट की सर्वे की गई, इसको सर्वे नंबर दिए गए, उसका उसमें कौन रह रहा है, किस अधिकार से रह रहा है, वो सब लिखा गया। और उसमें उसके साथ जो दस्तावेज है उसमें साफ लिखा गया है कि यहाँ पे अंग्रेजों की कोई जमीन नहीं। तो ये अगर अंग्रेजों की जमीन नहीं थी तो ये आज केंद्र सरकार की कैसी होगी? क्योंकि जैसे मैंने कहा साहब, बाकी छावनियां जो ब्रिटिश इंडिया में थी वहां तो समझ आता है क्योंकि अंग्रेजों की मिल्कियत थी, यहाँ तो अंग्रेजों की मिल्कियत थी नहीं। मिल्कियत किसकी थी? निजाम की थी, जागीरदारों की थी और कुछ प्राइवेट ओनर्स की थी। तो ये बात जब इन्वेस्टिगेट की जा रही थी, तो क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया पिछले हफ्ते विधानसभा में कि ये सारी जमीन हमारी है, तो उस बारे में जब थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की गई तो राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में एक दस्तावेज बरामद हुआ, ऑनलाइन अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे, जिसमें ये बताया गया कि हुआ क्या 1948 में हैदराबाद को मर्ज किया गया इंडिया के साथ, जब भारतीय आर्मी आई अंदर जनरल जे एन चौधरी के अंडर। जनरल चौधरी को जब निजाम ने सरेंडर कर दिया 3 दिन के बाद, तो जनरल चौधरी को मिलिट्री गवर्नर बनाया गया। उस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पर कि एक किसानों का आंदोलन, बहुत वायलेंट आंदोलन चल रहा था, कम्युनिस्ट काफी उसमें इन्वॉल्व थे और कई कांग्रेस वाले भी इन्वॉल्व थे, कई आर्य समाजी भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो एक तौर पे फार्मर्स का आंदोलन था और दूसरी तौर पे निजाम के अगेंस्ट, रजाकारों के अगेंस्ट भी आंदोलन वही हो गया था, तो काफी वायलेंट था। और इस आंदोलन के साथ जूझना जरूरी था जो नई सरकार मिलिट्री गवर्नर के अंडर बनी। तो उन्होंने जब इस मामले की स्टडी करी तो उनको ये लगा कि इसका जो मूल कारण है इस आंदोलन का, वो ये है कि इनको फार्मर्स के पास जमीन की मिल्कियत नहीं है और उनको बहुत अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर। और उन्होंने ये भी, उनको जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि हैदराबाद का करीब 40% एरिया निजाम के ओनरशिप का था, निजाम उसके मालिक थे, चाहे सीधे तौर पे मालिक हों या इनडायरेक्टली जागीरदारों के थ्रू मालिक हों। तो उन्होंने सरदार पटेल को ये एडवाइस दिया, सरदार पटेल के अंडर श्री वीपी मेनन थे जो एडवाइजर थे सरदार पटेल को, और जिनका काम था ये कि प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया जाए भारतीय यूनियन में। उनको ये एक सलाह दी कि भाई जमीन चाहिए तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी तरह से निजाम को समझाएं कि अपनी जमीनें स्टेट को दे दें। मैं मानता हूं कि एक बहुत ही सक्सेसफुल एक पीरियड था हमारी डिप्लोमेसी का, बोले या ब्यूरोक्रेट्स ने जिस तरीके से काम किया कि निजाम को मना लिया गया, निजाम को ऑफकोर्स प्रीवी पर्स दिया गया, उनके प्रीवी पर्स बढ़ा दिया गया ताकि इसको कॉम्पेंसेट कर सके जो इससे रेवेन्यू होता था उनको, तो 1 करोड़ रुपए सालाना उनका प्रीवी पर्स फिक्स किया गया। निजाम मान गए, निजाम को ये आश्वासन दिया गया कि ये जो जितनी भी डील्स हो रही हैं ये इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी, लोगों से सिर्फ ये कहा जाएगा कि ये निजाम ने अपनी विद्वता दिखा के स्टेट के भले के लिए जमीनें दे दी हैं, और यही फरमान एक इशू भी किया गया। तो और ये फरमान इशू होने के बाद स्टेट ने 2 रेगुलेशंस पास किए जिसमें जागीरदारी खत्म कर दी गई और सारे जो सरफे खास लैंड्स थे, जो निजाम ओन्ड लैंड्स थे, वो दीवानी के साथ मर्ज कर दिए गए, दीवानी मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसा कि दूसरे कैंटोनमेंट्स में केंद्र सरकार मालिक बन गई 1947 में, यहाँ पे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार मालिक बनी, तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें दम है। ये 2 चीजें उभर के आई हैं इस डेटा की रिसर्च। तो ये मामला मेरे हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होना चाहिए इसमें, क्योंकि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट सिटीजन्स को सपोर्ट करके क्या करती थी, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख देती थी, क्योंकि उनका भी ये मेरे ख्याल से मानना था उस वक्त कि शायद ये केंद्र सरकार की जमीन है, क्योंकि जनरल लैंड रजिस्टर में केंद्र सरकार मालिक दिखाई गई। अब मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि नहीं, ये हमारी जमीन, अब अगर आपकी जमीनें हैं तो फिर अब आपको नेक्स्ट स्टेप लॉजिकल क्या होगा,
अगर सड़कें बंद हैं और ये पब्लिक रोड्स हैं और ये सड़क के नीचे की जमीन आपकी है, तो आप क्या कर रहे हैं? चलिए देखेंगे आगे क्या होता है और हम लोग भी फॉलो करते रहेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।